one solution. Mass promotion, mass promotion. There is only one solution. Mass promotion, mass promotion. Karo, promote karo. Lemon class ko promote karo. Promote karo, promote karo. Lemon class ko promote karo. Yes. There is only one solution. Mass promotion, mass promotion. Lemon class ko promote karo. Promote karo, promote karo. Lemon class ko. Justice. Mass promotion, mass promotion. Mass promotion, mass promotion. Mass promotion. मेरा नाम महविश है और मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ, प्रा हायर सेकेंडरी से हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमें मास प्रमोशन दीजिए, जैसे सबको मिली, जम्मू वालों को मिली, उनको भी वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है आगे जो हमें देने हैं। जब उनको मास प्रमोशन हो गई तो हमें क्यों नहीं होगी? आप पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नहीं सोचिए, आप पहले हमारे 11th का सोचिए। हम फेल हो रहे हैं 11th में, तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्या करना है फिर, जब हम पहले ही फेल हो जाएंगे? हमें यही चाहते हैं कि हमें मास प्रमोशन चाहिए, और हमने सिर्फ 5% सिलेबस किया है कंप्लीट, और गवर्नमेंट ने बोला 70% सिलेबस है, और वो हमने बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं किया है। तो क्या गवर्नमेंट चाहती है कि हम पहले फेल हो जाए तो फिर ये कुछ करेंगे? और यहाँ से सिचुएशंस ने भी उसमें खराबी की, तो हमें हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत वर्स है इस टाइम, तो हम एग्जाम नहीं दे सकते, हम इस कंडीशन में नहीं है एग्जाम देने की कंडीशन में। सो वी वांट मास प्रमोशन। नाम अलीना है, मैं 11th की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स 11th के हैं। जब जम्मू वालों को मिल रही है मास प्रमोशन, बाकी जगहों पे मुंबई, बैंगलोर, इंडिया, मतलब ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को 11th को मास प्रमोशन मिली है, तो हमारा भी राइट है मास प्रमोशन लेने का। इन्होंने परसों इंटरव्यू में बोला था कि अगर हमारा 11th जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर फ्यूचर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। इनको क्या लगता है, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है? अगर हम एक रात को बैठ के रट्टा मारेंगे, उससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक हो जाएंगे। एग्जाम्स लेने से बेटर है हमारी क्लासेस स्टार्ट करें, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, क्योंकि हम लोगों ने 2G पे क्लासेस दी है, जो सारा वेन्स में गया, उसका थोड़ा भी फ़ायदा नहीं था। टीचर्स ने पूरी मेहनत की, हमने पूरी मेहनत की, मगर कभी क्लास डिस्कनेक्ट होती थी, कभी कनेक्ट ही नहीं होती थी, कभी इतना स्लो चलता था कि समझ ही नहीं आता था, और कभी नेट ही बंद हो जाता था, जिसकी वजह से हमारी बहुत क्लासेस मिस हो गई है। और 11th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर फ्यूचर। जब तक हमारे 11th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, हमारे 12th के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि 11th वो फेस है जहाँ पर हम अपना 10th तक एजुकेशन छोड़ते हैं और अपना नया स्टेप स्टार्ट करते हैं। हमारी डिमांड है, वी वांट जस्टिस, वी वांट मास प्रमोशन।